अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये बेसिकली वीडियो 2 वीक्स पुरानी है, बट ये मुझे हर हाल में पोस्ट करनी थी बिकॉज़ इसमें मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त पार्क लेके जाऊँगी। ये माउंट करा के बिल्कुल करीब है अलहसा नेशनल पार्क। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स लाइक उनकी फैमिली आई हुई थी और काफ़ी सारी फैमिली थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब हमने देखा तो था बट हमने चीज़ों की प्राइसेस वगैरह इतनी नहीं पूछी थी। बट इसकी एंट्री फ़ीस थी 10 रियाल और किड्स बिलो 5 उनकी फ्री एंट्री थी। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत पार्क था। हम एक्चुअली काफ़ी लेट यहाँ पहुँचे थे क्योंकि वो माउंट करा पहले गए थे और उसके बाद वो यहाँ आए थे। मेरे हस्बैंड ने उनको इस पार्क का बताया था। और यहाँ पे जो है एक साइड पे शायद सर्दियों की वजह से कैंपिंग का भी था, पूरा बना हुआ था। वहाँ हम नहीं गए थे और हम जहाँ भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती ना, वहाँ कोई ना कोई मेरे आगे आ रहा था। हमारा पूरा इरादा है इस पार्क दोबारा जाने का इंशाल्लाह। हमने प्लान किया है कि फैमिली के साथ इस पार्क जाएंगे और इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और उससे पहले अगर कोई भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं या जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो इस जगह जाएं, इसको एक्सप्लोर करें, तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी थी और जो यहाँ के मतलब खेलने की जगह भी थी, कैफेज़ भी बहुत ज़बरदस्त थे। यहाँ पे हॉरर हाउस भी था और काफ़ी मतलब बड़ा पार्क था ये। और इवन जो इधर की, हालांकि इतना रश था इधर, बावजूद इसके भी जो यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थी वो बहुत नीट एंड क्लीन थी, बहुत साफ़ थी। और आगे जाके पूरा मतलब पार्क के लिए ना, बैठने के लिए, खेलने के लिए, बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त पूरा ग्राउंड बना हुआ था। और लाइक किला टाइप की जगह भी बनी हुई थी, बट उधर हम नहीं गए थे क्योंकि हमारे अलावा काफ़ी सारे लोग थे हमारे साथ और सबको एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। खैर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था क्योंकि उनके एज के उनको फ्रेंड्स मिल गए थे और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, यहाँ पे जो झूले थे वो 10 रियाल के थे, ज़्यादा मतलब उनकी प्राइसेस नहीं थी। और इतनी लाइटनिंग थी और ये मतलब होपफुली शाम में भी इसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त होगा, रात के वक्त तो बहुत ही प्यारा था। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये शाम 4 बजे ही ओपन होता है, सुबह में नहीं होता। और ये जो कैफ़े था ये बहुत ज़बरदस्त था, इधर बच्चों के बैठ मतलब अगर आप अंदर जाते हैं तो अंदर खेलने की जगह भी थी। खैर यहाँ पे क्योंकि हमारे गेस्ट थे तो फिर हम डिनर के लिए आ गए थे। हमारा न्यू फाइंड किया हुआ रेस्टोरेंट, और हम कंटिन्यूसली 3 फ्राइडे इधर आए थे और इधर का खाना, वाकई हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिशेस जो थी ट्राई कर ली थी और हमें आइडिया हो गया था। अच्छा ये पूछते भी हैं कि अगर आपको स्पाइसी खाना है तो वो उस हिसाब से आपका खाना स्पाइसी भी कर लेंगे। खैर पार्क में काफ़ी ठंड थी उस वक्त और मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत दिल कर रहा था, तो खूब मतलब हल्ला गुल्ला मच चुका था रेस्टोरेंट के अंदर। तो फिर उसके बाद डिनर करने के बाद फिर सब अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे क्योंकि वो लोग जो थे दमाम खुबर से जुबेल से आए थे यहाँ पे, तो उन्हें भी 2 आवर्स लगने थे घर जाने के लिए, तो फिर वो निकल पड़े थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे अब कॉफ़ी पीनी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरा बहुत दिल कर रहा है कॉफ़ी पीने का। तो फिर हम लोग चले गए थे कॉफ़ी के लिए और बच्चे बाबा सब गाड़ी में जो है ना फुल बातें शातें और मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे। काफ़ी अच्छा टाइम हमारा गुजरा था और वो दिन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था। खैर फिर मैं यहाँ आ गए थे और किसी ने तो कॉफ़ी पीनी थी बट मुझे पीनी थी गर्मा गर्म कॉफ़ी। हम लोगों ने कॉफ़ी ली और घर के लिए निकल गए क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें भी। और सब कहते हैं कॉफ़ी या चाय पीने से नींद उड़ जाती है, तो मैं वही हंस रही थी कि कॉफ़ी पीऊँ चाय पीऊँ, मुझे तो नींद आ ही जाती है, मैं जिस वक्त भी पीऊँ मुझे इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता। तो खैर यहाँ पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।